हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग। और मैं हूँ रिचा। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री व्लॉग है, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि मैंने शॉपसी से कुछ प्रोडक्ट मंगाए हुए थे। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि शॉपसी में आजकल ऐसा चलता है कि जस्ट ₹1 इतने में ये मिल रहा है, उतने में वो मिल रहा है। तो मैंने तो ऐसे कभी मंगवाया नहीं था। तो मैंने एक बैग देखा हुआ था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बहुत ही कम प्राइस में था और उसकी मीन्स मिनिमम क्वांटिटी 2 ऑर्डर करनी थी। तो गाइज मैंने अलग अलग कलर के 2 नहीं 4 ऑर्डर किए। तो 2 मैंने वाइट मंगाया, 2 ब्लैक मंगाया। तो मुझे रिसीव क्या हुआ ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगी, बट मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा एक और रीज़न से भी हूँ कि मैं करीबन 7-8 साल से ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ और मेरे साथ कभी भी किसी ने ऐसे बात नहीं करी। और जो आज का मेरा पार्सल फ्लिपकार्ट की तरफ से डिलीवरी करने आने वाले थे, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने उससे बहुत अच्छे से बात करी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप एड्रेस बताइए अपना। तो मैं उनको बार बार पूछ रही थी, जैसे मैं हर समय सबको पूछती हूँ कि भैया आप एग्जैक्ट कहाँ पर हो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किधर से आना है, क्या आना है। बट उन्होंने बोला कि आप अपने घर के आसपास के शॉप का नाम बताइए। तो मैंने उनको अपने घर के पास एक शॉप है, मैंने उसका नाम बताया। तो वो शॉप के बारे में उन्हें दूर दूर तक पता नहीं था। चलो ठीक है, अगर कोई नया इंसान है जो कि ये एरिया के बारे में नहीं जानता, तो मैं जस्ट उसकी हेल्प कर रही थी। मैं उसको बोल रही थी कि भैया आप कहाँ पे हो, आप बता दो, मैं आपको बताती हूँ लोकेशन। उन्होंने मुझे बोला कि आप मैडम आप करंट लोकेशन जो है आपका वो सेंड करो। मैंने बोला ठीक है भैया इसी नंबर पे करना है। उन्होंने बोला नहीं नहीं ये कंपनी का नंबर है, आप मेरे नंबर पे करो। उस इंसान को उसका खुद का नंबर भी नहीं पता था। उसने 10 मिनट के बाद मुझे अपना नंबर दिया एंड बोला कि आप इस पर लोकेशन सेंड करो। मैंने वो नंबर सेव किया व्हाट्सएप पे और मैं लोकेशन सेंड करने ही वाली थी कि मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया। तो भाई कुछ काम से ही आया होगा। मैंने अपने हस्बैंड का कॉल उठाया और वो सामने वाले इंसान ने 2-3 बार कंटिन्यू कॉल कर लिया। और फिर मैंने जब अपने हस्बैंड का फ़ोन रखा, मैंने उसका कॉल रिसीव किया। उसने मुझे बोला कि मैम हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक कस्टमर के लिए इतना टाइम वेस्ट करें। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई। एक तो मैं उस इंसान की हेल्प कर रही हूँ, इनवॉइस पे पूरा एड्रेस प्रॉपर दिया हुआ है, वो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। और मैं खाना बनाना छोड़ के उसे पूरा एड्रेस डिटेल बता रही हूँ कि मेरा पार्सल आएगा, और वो मुझे ही बोल रहा है कि मैडम हमारे पास इतना टाइम नहीं है। उसने मुझसे इतनी रूडली बात करी। फिर देन एनेट भी उसे रूडली बोला कि भैया ये आपका काम है, आपको ला के देना है, ला के दो, नहीं ला के देना है डोंट वरी, मैं दोबारा ऑर्डर कर लूँगी, मत ला के दो। फिर मैंने फोन कट कर दिया। उसके बाद दोपहर में मुझे कोई कॉल नहीं आई और शाम को मीन्स अभी 1 घंटे पहले ही उनका फोन आया और मुझे पार्सल दे के गए हैं। गाइस सच में मुझे ऐसा लग रहा ना कि ये पार्सल मुझे रिसीव नहीं होता तो ज़्यादा बेटर होता, कि भगवान भी चाह रहे थे कि मुझ तक ये पार्सल पहुँचे ना, बट ठीक है। तो गाइस मैं अब आपको बताती हूँ कि एग्जैक्ट मैंने मंगाया क्या था और मुझे रिसीव क्या हुआ है। ये कुछ ऐसी पैकिंग में है, फ्लिपकार्ट की पैकिंग है, आप देख सकते हो। मैंने 4 बैग ऑर्डर किए थे, मिले मुझे सिर्फ 2 हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने मंगाया क्या था। ये जो बैग दिख रहा है आपको वाइट कलर का, तो मैंने इसमें का 2 वाइट मंगवाया था और 2 ब्लैक मंगवाया था, देख सकते हो। ये मैंने 4 मंगवाए थे। तो इसकी क्वालिटी तो थोड़ी ठीक है, बट इसके साथ मुझे रिसीव हुआ ये पिंक कलर का बैग, जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हो। ये पिंक वाले बैग की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और ये मैंने मंगाया भी नहीं था और ये थोड़ा पुराना टाइप से भी है। आप देख सकते हो ये कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे यूज़ किया होगा। तो गाइज मुझे 4 बैग की जगह ये 2 बैग रिसीव हुआ। एक तो मैं यूज़ कर सकती हूँ बट ये मैं यूज़ नहीं। गाइज सबसे मेन बात कि मैंने देखा नहीं था कि ये नो रिटर्न पॉलिसी में है और मैंने ऑर्डर कर दिया कम रेट में मिल रहा है करके। हाँ कि फ्लिपकार्ट और शॉपसी में भी ऐसे स्कैम्स होते हैं। और मैंने जब अभी सर्च किया तो मैंने देखा कि यूट्यूब पे तो पूरे वीडियोज़ बनी हुई है इनके ऊपर कि इस पर स्कैम्स होते हैं। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप शॉपसी में नो रिटर्न पॉलिसी में से कुछ भी ऑर्डर ना करें, क्योंकि क्या होता है ना कि मीशो में जब हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं और हमें गलत प्रोडक्ट मिल जाता है, चाहे वो पुराना हो चाहे कुछ भी हो, तो वो प्रोडक्ट हम आराम से रिटर्न कर सकते हैं और हमें रिफंड भी तुरंत मिल जाता है। शॉपसी में ऐसे चीप प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी आप ऑर्डर मत कीजिए, और ऑर्डर कर भी रहे हैं तो फिर आप देख लीजिए कि वो रिटर्न में है या नहीं है। प्लीज़ ऐसी सस्ती सस्ती चीज़ों में बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें कि जस्ट ₹80, जस्ट ₹20, क्योंकि वो पैसा तो आपका वेस्ट जाएगा ही जाएगा, और साथ में आपको कुछ अच्छा रिसीव भी नहीं होगा कि आप उसे कुछ यूज कर सके। ये नहीं पता कि ₹5 प्रोडक्ट में किसको क्या रिसीव होता है, बट इस साथ तो ₹250 का ही स्कैम हो गया। तो गाइज आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रिचेश मेहरा व्लॉग। बाय गाइज।